स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, हमें पैसे दो नहीं तो फंसा देंगे। फर्जी पत्रकार बनकर कबाड़ व्यवसायी को धमकाते थे दो लोग, फिर मांगे 2 लाख तो दबोचे गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। ये काफी दिनों से एक कबाड़ व्यवसायी के पीछे पड़े हुए थे। उसे धमकाते थे कि हमें पैसे दे दो नहीं तो हम फंसा देंगे। इसके बाद फिर से उन्होंने व्यवसायी से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी, जिसका व्यवसायी ने ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस से शिकायत भी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। अशरफ खान पेशे से कबाड़ी व्यवसायी हैं। वो कबाड़ लेकर दूसरे जगह बेचने का काम करते हैं। उन्हें कुछ समय पहले अभिषेक कौशिक और सनी गुप्ता नाम के 2 शख्स का फोन आया था। दोनों ने अपने आप को किसी चैनल का रिपोर्टर बताया था। दोनों ने अशरफ से कहा था कि हमें पता है कि आप चोरी का माल बेचते हैं, हम पुलिस से शिकायत करके आपको फंसा देंगे। हाँ, यदि आप हमें पैसे दे दो तो हम नहीं बताएंगे। इस बातचीत के बाद भी व्यवसायी ने इन दोनों को पैसे नहीं दिए थे। इस बीच कुछ दिन पहले फिर से उन्होंने व्यवसायी को फोन किया और कहा कि हमें 2 लाख चाहिए, नहीं तो हम इस बार जरूर आपको फंसा देंगे, पुलिस के सामने पूरा काला खोल देंगे, यदि आपको बचना है तो 2 लाख दो। इस पर व्यवसायी राजी हो गया और उसने फिर से इन दोनों से संपर्क किया था। बताया गया कि जब व्यवसायी ने इनसे फिर संपर्क किया था, अशरफ ने दोनों से कह कि आप लोग कोरबा आकर पैसे ले जाइए, खाते में पैसे नहीं है। दोनों ने व्यवसायी को अपना खाता नंबर भी दिया था। व्यवसायी ने बोला कि कोरबा आकर पैसे ले जाओ कैश में। इस पर दोनों ने जवाब दिया कि आप किसी को पैसे लेकर भेज दीजिए, बाकी पैसे खाते में चाहिए। लेकिन व्यवसायी उनसे बार बार ये कहता रहा कि पैसे कैश में ले लो। आखिरकार उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आप अब थाने में ही मिलिए। इसी बातचीत का ऑडियो अब सामने आया है। इसी ऑडियो के साथ व्यवसायी ने पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत होने के बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। दोनों से पूछा गया कि आप लोग किस चैनल में काम करते हैं। इस पर वे आईडी कार्ड भी नहीं दिखा सके। पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों फर्जी पत्रकार हैं, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से एक कार भी जब्त की गई है।